सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 50 रुपए में हम ढेर सारे गुलाब जामुन बनाएंगे, वो भी घर पे बिल्कुल होटल स्टाइल में। कोई कहीं नहीं पाएगा कि हमने इसको घर पे बनाया है सिर्फ 50 रुपए में। तो बनाना बहुत ही आसान है, मैं बताऊंगी मैंने इसे किस तरह 50 रुपए बनाया है। तो बनाना स्टार्ट करते चलिए। तो सबसे पहले गुलाब जामुन में जो इम्पोर्टेंट होता है वो है चाशनी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी और 1/2 कप के करीब चीनी लिया है। चाशनी की क्वांटिटी आप जितना चाहे उतना अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे चाशनी की क्वांटिटी कम ही रखनी, इसलिए मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से बनाएं। उसके बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम में पकने के लिए रख देना है। तब तक लिए हम यहाँ पे एक पैन लेंगे जिसमें हम 2 से 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। जैसे हमारा घी गर्म हो जाएगा, हमने यहाँ पे दूध लिया है 250 मिली, हमने यहाँ दूध लिया है, उसे रख देंगे गर्म करने के लिए। थोड़ा सा हमने साइड में बचा लिया है, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ दूध में बहुत ही अच्छा उबाल आने लग गया है, बस इतना ही दूध को पकाना, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है वरना सारा दूध जल जाएगा। बस अब हमें यहाँ पे धीरे धीरे, एक साथ में नहीं, धीरे धीरे हमें सूजी डालना है। एक साथ में डालेंगे तो यहाँ पे गुलटी पड़ जाएगी, तो हमें यहाँ धीरे धीरे हिलाते हुए सूजी को डाल देना है इस तरीके से। तो यहाँ मैंने सारी सूजी डाल दी, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखते ही देखते आप देखोगे कि अच्छे से ये जो दूध है हमारा सूजी में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ और भी ज़्यादा अब सूख गया है, तो अच्छी तरीके से पूरा पैन छोड़ दिया। तो अब हमें इसी तरीके से चाहिए था, तो ये हमारा हो चुका है। तो मैंने इसे ठंडा कर लिया था, उसके बाद जो मैंने साइड में दूध बचाया था ना, उसी के साथ मैंने सूजी को अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए, अच्छे से जैसे हम आटा गूंधते ना वैसे हमने इसे गूंध लिया था, और गूंधने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब हमें देखो यहाँ पे मलाई चाहिए, अगर आपके पास ना हो तो अपना लें, लेकिन मेरे पास था तो मैंने ले लिया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने यहाँ बादाम लिया है, बादाम को मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया, यानी कि मैंने 1/2 कर लिया एक बादाम को। तो अब यहाँ हम छोटे छोटे गोल बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से बड़े छोटे बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1 गुलाब जामुन यानी कि 1 लोई ले ली है, उसके बीच में मैंने 1 बादाम और थोड़ी सी मलाई डाली है। फिर हम इसे अंदर की तरफ ढकेलते हुए इसे एक गोल शेप देंगे, जैसे ही हम आलू पूड़ी का शेप देते हैं ना, जैसे आलू पूड़ी को हम अंदर की तरफ स्टफिंग करते हैं उसे गोल शेप देते हैं, ठीक उसी तरह इसे भी शेप देना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका शेप हो गया है गोल, बिल्कुल कहीं से भी फटा नहीं है। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे, इसमें भी हम 1 बादाम, थोड़ी सी मलाई, और इसे भी बहुत अच्छे से गोल शेप दे देंगे। तो यहाँ भी बहुत अच्छे से गोल शेप हो गया है, बहुत ही आसान है गाइस, अगर आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो बना सकते हैं, बहुत इजी स्टेप है। तो ये हमने सारे गुलाब जामुन बना लिए। यहाँ मैंने लो फ्लेम में तेल गर्म करने को पहले सबक दिया था, तो यहाँ फिर एक एक करके मैंने सारे गुलाब जामुन डाल दिए, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। ध्यान है आपको तेज आंच में बिल्कुल भी नहीं पकाना है, वरना ये बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। गाइस मैं गुलाब जामुन को हमेशा लाइट ही सेकती हूँ, आप अपने मन के हिसाब से सेक सकते हैं। तो यहाँ गुलाब जामुन मेरे सेक के हो चुके हैं, फिर मैं यहाँ चाशनी में डाल दूंगी। चाशनी में मैंने 1/2 चम्मच हनी डाला है, आप चाहे तो डालें या ना डालें। चाशनी में सारे गुलाब जामुन को एक एक बैच में डाल देना है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट बैच डाला है, अब मैं यहाँ सेकेंड बैच डालूंगी, फिर उसके बाद हम इसे 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। तो आप देखेंगे 1/2 घंटे में ये पूरी चाशनी सोख लिया, यानी कि बनके रेडी है। तो मैंने 10 की चीनी, 10 का दूध, 10 की सूजी, 10 के ड्राई फ्रूट और 10 का गैस, तो हो गया ना 50।